Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is depreciation on replacement cost. इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो डिप्रिशिएशन है वो किस अमाउंट पर लगाना चाहिए. एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जब हम डिप्रिशिएशन लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो अराइज होता है, दैट इज कि डिप्रिशिएशन हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाएं या रिप्लेसमेंट कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को खरीदा. रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब है कि जब हम उस एसेट को जिसको हमने आज खरीदा है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जब उसका लाइफ ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जब हम नया एसेट खरीदेंगे तो उसके लिए जो हमारी कॉस्ट आएगी. तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस जो आपका न्यू एसेट का होगा. क्या हमें डेप्रिसिएशन उस अमाउंट पे प्रोवाइड करवाना चाहिए? क्योंकि जो मेन पर्पस है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाने का, दैट इज़ फंड्स को कलेक्ट करना ताकि आप रिप्लेस कर सको एसेट को. तो इसीलिए डेप्रिसिएशन जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट पे प्रोवाइड करवाना चाहिए. जैसे अगर हम एक एग्जांपल कहें कि एक मशीन आपने परचेज की 5 लाख की, तो डेप्रिसिएशन अगर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे प्रोवाइड करवाएंगे तो एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट जो अमाउंट हमारे पास बनेगा दैट इज विल बी 5 लाख रुपीज ओनली. लेकिन जो परचेज प्राइस है नई मशीन का वो तो 6,50,000 हो चुका है, तो एसेट को हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाते हैं रिप्लेसमेंट प्राइस पर, तो 6,50,000 पे, तो हमें हमारे पास एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट 6,50,000 होगा. तो इजी होगा एसेट को रिप्लेस करना. बट ये थियोरेटिकली तो कहना इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को करने में डिफ़िकल्टीज आती है. वो डिफ़िकल्टीज क्या है इन चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट? दैट इज़ कि जब हम एसेट को परचेज कर रहे हैं इन द बिगिनिंग, तो हम उस टाइम पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट को असर्टेन इजिली नहीं कर सकते. रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आप तभी असर्टेन कर सकते हो जब आप एसेट को आप रिप्लेस करोगे. देन न्यू एसेट्स जो होगी वो ओल्ड एसेट से के इक्वल नहीं होगी, वो दोनों सेम नहीं होंगी, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा. न्यू एसेट्स गुड क्वालिटी की होंगी तो ज़्यादा प्राइस आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा. इसीलिए जो एसेट आप फ्यूचर में परचेज कर रहे हो उसको आप एट प्रेजेंट में डेप्रिशिएट नहीं कर सकते. इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो डेप्रिशिएशन है वो चार्ज किया जाता है कॉस्ट प्राइस पर. इनकम टैक्स अथॉरिटी डेप्रिशिएशन को अलाउ करती है ऑन कॉस्ट. तो इन डिफ़िकल्टीज को कंसिडर करते हुए ये क्लियर है कि जो डेप्रिशिएशन है उसे कॉस्ट पर चार्ज किया जाना चाहिए, ना कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर. जो फंड्स हैं जो कलेक्ट आप रिप्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, उसके लिए आप दूसरे मेथड से अडॉप्ट कर सकते हो. वो क्या कि एक सर्टेन अमाउंट आप प्रॉफिट से ट्रांसफ़र कर दो रिप्लेसमेंट रिजर्व में, या जो अमाउंट आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड करवा रहे हो उसे आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करो, और जो इंटरेस्ट उस अमाउंट पे आप रिसीव कर रहे हो करंट रेट से, तो जो प्रोविजन है आप का ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा होगा क्योंकि आप उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी ले रहे हो, जो सफिशिएंट होगा टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिजर्व्स एंड प्रोविजंस. प्रेजेंट टाइम में बिजनेस बहुत सारी अनसर्टेनिटीज फेस करता है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका जो भी टोटल प्रॉफिट है बिजनेस का, आप उसके उस सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना कर दो उसके ऑनर्स और शेयर होल्डर्स में, बल्कि कुछ प्रॉफिट का पार्ट आप अपने पास रिटेन करके रखो ताकि उन अनसर्टेनिटीज़ को आप मीट कर सको, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबल आप कर सको. तो हर एक बिजनेस को जो है कुछ ना कुछ पार्ट अपने प्रेजेंट प्रॉफिट से फॉर अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर के लिए रखना चाहिए. इसके लिए हमारे पास दो तरीके की अरेंजमेंट्स हैं, एक है रिजर्व्स और एक है प्रोविजंस. तो पहले बात करते हैं रिजर्व्स की. रिजर्व्स का मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब है वो अमाउंट जो आप अपने प्रॉफिट से अलग निकाल के रख रहे हो और अदर सप्लीसेस से अलग निकाल के रख रहे हो ताकि आप फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को मीट आउट कर सको. इसका पर्पस नॉन लाइबिलिटीज को के लिए अरेंजमेंट करना नहीं है, ना ही वैल्यू ऑफ एसेट को रिड्यूस करना है, बट जो अनसर्टेनिटीज हैं फ्यूचर की उसके लिए अरेंजमेंट करना है. तो एग्जाम्पल्स क्या हैं रिजर्व्स के?
जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, रिजर्व फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंटीजेंसी रिजर्व। डेफिनेशन क्या है रिजर्व की? विलियम पिकल्स के अकॉर्डिंग रिजर्व का मतलब है वो अमाउंट जो आप अपने प्रॉफिट से और अदर सरप्लसेस से अलग करके रख रहे हो और जिसे आपने किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी के लिए नहीं किया है जो एग्जिस्ट करती है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बल्कि अलग से आपने उसे निकाल के रखा है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है रिजर्व के? सबसे पहला अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो रिजर्व है वो क्रिएट किए जाते हैं कुछ अमाउंट जो आपके प्रेजेंट नेट प्रॉफिट से है उससे निकाल के, तो उसे हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। दूसरा, रिलेटेड टू ऑनर्स, रिजर्व जो है क्योंकि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से क्रिएट किए जा रहे हैं तो जो कैपिटल है वो बिलोंग करती है प्रोपराइटर को, तो इसी तरीके से जो रिजर्व्स हैं वो बिलोंग करते हैं प्रोपराइटर को, ऑनर को। तो जो रिजर्व है उसे आप लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे बैलेंस शीट की, क्योंकि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट, और प्रॉफिट्स पे किसका हक होता है? ऑनर का, तो ये रिलेट करते हैं ऑनर से। नेक्स्ट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, रिजर्व्स आप क्रिएट करते हो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, जिससे आपकी गुडविल भी इंक्रीज होती है। फॉर इन्वेस्टिंग आउटसाइड द बिजनेस, जो अमाउंट है रिजर्व की अगर आप उसे बिजनेस से आउटसाइड इन्वेस्ट करते हो तो उसे रिजर्व फंड कहा जाता है। नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है रिजर्व की? सबसे पहला है फॉर अनएंटिसिपेटेड लॉस और लाइबिलिटी ऑफ फ्यूचर, अगर कोई अनफोर्सीन लाइबिलिटी अराइज होती है फ्यूचर में तो उसे मीट आउट करने के लिए आप रिजर्व क्रिएट करते हैं। दूसरा, फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस, रिजर्व्स क्रिएट करके जो एडिशनल इकोनॉमिक सोर्स है बिजनेस के लिए उसे आप इंक्रीज करते हो। इसके ऊपर कोई डिविडेंड आप एडिशनल मनी के ऊपर पे नहीं करते हो, तो जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है बिजनेस की वो स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट इज फॉर इक्वलाइजेशन ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर, अगर किसी ईयर में बिजनेस के पास ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते एज अ डिविडेंड, बल्कि आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्रिएट कर लेते हैं और इस फंड से आप हर ईयर, अगर सपोज आगे फर्दर किसी ईयर में कम प्रॉफिट हुआ है तो स्टिल कम प्रॉफिट के बावजूद भी आप सेम डिविडेंड पे कर सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है उससे पैसा निकाल कर। तो ये आपको हेल्प करता है इन स्टेबलाइजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। देन फुलफिलिंग सम स्पेसिफिक पर्पस, रिजर्व्स आप क्रिएट करते हो कुछ स्पेशल पर्पस फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल, डिबेंचर्स अगर आपके हैं 2 करोड़ रुपीस के जो आपने रिडीम करने हैं 10 ईयर्स के बाद, तो एक फंड आप क्रिएट कर सकते हो, आप एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने डिविजिबल प्रॉफिट से ईच ईयर। तो आप इस फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो आउटसाइड द बिजनेस, ताकि आफ्टर 10 ईयर्स जो डिबेंचर्स हैं आप उसे रिडीम कर सको उसका सेल जो करके इन्वेस्टमेंट का। देन ये मेंटेन करता है आपका फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का और जिससे बिजनेस पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। देन टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात करें तो रिजर्व्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। देन रेवेन्यू रिजर्व्स को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जर्नल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। तो पहले बात हम करते हैं रेवेन्यू रिजर्व की। ये रिजर्व्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम द नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। इस रिजर्व्स को आप यूज कर सकते हो फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। तो अकॉर्डिंग टू कोहलर, वो पोर्शन या वो डिटेल देयर ऑफ नेटवर्थ की या टोटल इक्विटी की किसी भी एंटरप्राइजेस की जो रिप्रेजेंट कर रही हैं अर्निंग्स जो अवेलेबल है प्रोपराइटर को फॉर विड्रॉवल। रिजर्व्स 2 टाइप्स में हमने डिवाइड किया रेवेन्यू रिजर्व्स को, जर्नल रिजर्व्स एंड स्पेसिफिक रिजर्व्स। पहले बात करते हैं हम आपके जर्नल रिजर्व की। यूजुअली बिजनेस मैन जो होता है, जो भी एंटायर प्रॉफिट हुआ है बिजनेस का, वो पूरे प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करता है, बल्कि एक पार्ट उसका वो रखता है। सिमिलरली जो कंपनीज होती हैं वो सारा प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है शेयर होल्डर्स को, एक सर्टेन पार्ट जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं रिजर्व में। तो इस टाइप के रिजर्व को हम जर्नल रिजर्व कहते हैं।
जर्नल रिजर्व है उसे आप कंटीजेंसी रिजर्व या फ्री रिजर्व भी कहते हो, और ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप क्रिएट नहीं करते हो। किस ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी अनफोर्सिन लॉस फ्यूचर में होना है तो उसको मीट आउट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की स्ट्रेंथन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और पेमेंट ऑफ फिक्स डिविडेंड करने के लिए शेयर होल्डर्स को एवरी ईयर आप इस फंड को यूज रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। जर्नल रिजर्व को क्रिएट करने के लिए कोई लीगैलिटी नहीं है, मतलब लीगली ये मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो रिजर्व्स है वो किसी सर्टेन लायबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए आप नहीं बनाते हो, ये सिर्फ उन ईयर्स में क्रिएट किया जाता है जिस ईयर्स में आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रहे हैं और आप इसे शो भी लायबिलिटी साइड में कर रहे हो बैलेंस शीट की अंडर दी हेडिंग्स ऑनर्स कैपिटल। देन आता है स्पेसिफिक रिजर्व, वो रिजर्व्स जो आप क्रिएट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये रिजर्व्स आप क्रिएट करते हो उन ईयर्स में जो जिस ईयर्स में आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए हैं, ताकि आप अगर जिस ईयर में किसी ईयर में आपको प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो स्टिल उन ईयर्स में भी आप सेम डिविडेंड पे कर सको और वो डिविडेंड आप इन इस रिजर्व में से प्रॉफिट निकाल कर पे कर सकते हो, ताकि जो आपका रेट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो स्टेबल रहे। देन रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, जो पर्पस है इस रिजर्व का दैट इज अरेंजमेंट करना मनी की एसेट को रिप्लेस करने के लिए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो पर्पस होता है इस रिजर्व्स को क्रिएट करने का दैट इज अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपकी कमी आती है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन तो आप इसे यूज कर सके। देन डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जो पर्पस है क्रिएशन ऑफ दिस रिजर्व का दैट इज फंड्स प्रोवाइड करवाना फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पर्पस जो है इस रिजर्व का दैट इज कंपनसेशन पे करना वर्कर्स को इन केस ऑफ एक्सीडेंट। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज कैपिटल रिजर्व, कई बार एडिशनल प्रॉफिट्स जो बिजनेस है वो अर्न करता है नॉर्मल प्रॉफिट्स के एडिशन में, तो जो रिजर्व्स आप क्रिएट कर रहे हो इन एडिशनल प्रॉफिट से उन्हें हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। नॉर्मली कैपिटल रिजर्व्स जो आप रिसीव करते हो वो किन सोर्सेज से रिसीव कर सकते हो, प्रॉफिट से जो आपको हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट्स प्रियोरियर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, profits from revaluation of fixed assets and liabilities, profits at the time of purchasing of new business, premium received from issue of shares and debentures, profits from reissue of forfeited shares, profits on redemption of debentures के sources से जो आपको profit हो रहा है उससे आप capital reserves create कर सकते हो। Normally जो capital reserves हैं उन्हें आप use करते हो for writing of capital losses and issue of bonus shares, लेकिन जो कुछ सर्कमस्टांसिस हैं उस केस में आप यूज़ कर सकते हो इनको फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपके आर्टिकल्स जो हैं कंपनी के वो प्रोहिबिट जो हैं नहीं करते हैं डिविडेंड को देना। देन कैपिटल प्रॉफिट जो है वो रिलाइज हो रहा है, जो आपको वो कैश में रिलाइज हो रहा है। कैपिटल प्रॉफिट जो है वो आफ्टर रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो रहा है। देन कैपिटल प्रॉफिट जो है उसे आप यूज कर रहे हो फॉर स्ट्रेंथन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। तो ये था हमारा टॉपिक रिजर्व्स का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोविजंस का, इसे हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।